ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही है। आंध्र प्रदेश से कड़ी पत्ते का टैग लगाकर ग्वालियर, भोपाल, कोटा और आगरा में गांजे की डिलीवरी दी जा रही थी। अब तक 1 टन से ज्यादा गांजा बेचा जा चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से 1,10,00,000 रुपए की लेन देन की पुष्टि हुई है। ये खुलासा होने के बाद एसपी मनोज सिंह मौके पर पहुंचे। कंपनी के सेलर की शिकायत पर पुलिस ने भिंड ग्वालियर रोड पर गोविंद ढाबे पर दबिश दी। यहां से 2 आरोपियों से 20 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपियों से एयर एशिया एयरलाइंस का विशाखापट्टनम का फ्लाइट टिकट, इंडिगो एयरलाइंस का ग्वालियर से दिल्ली का टिकट, अमेज़न की पैकिंग वाली काली पन्नी जब्त की है। साइबर सेल की मदद से गोहद थाना पुलिस ने यह कार्यवाही की है। अभी तक मिले सुराग के मुताबिक सेल का 66.66% हिस्सा अमेज़न को जाता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहद के छिमका में गोविंद ढाबा है, जहां से पिंटू नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ ही सूरज उर्फ कल्लू जो ग्वालियर का रहने वाला उसे भी अरेस्ट किया गया है। और उनसे पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि ये अमेज़न प्लेटफॉर्म से गांजे की तस्करी करते थे और उनका ये कहना है कि अमेज़न प्लेटफॉर्म द्वारा गांजे की तस्करी में उन्हें अमेज़न कंपनी का सहयोग मिलता था और हर कंसाइनमेंट में अमेज़न कंपनी जो है 66% उनसे पैसे ले लिया करती थी। और इनका ये कहना है कि वो कुछ हर्बल चीज़ें के नाम से कंसाइनमेंट जो है विशाखापट्टनम से इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भेजा करते थे। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, देवास एवं हरिद्वार आदि की जानकारी मिली है। सूरज उर्फ कल्लू का कहना है कि उसने पिछले 4 महीने में लगभग अमेज़न के माध्यम से 1 टन मतलब कि 1,000 किलोग्राम गांजे की बिक्री की है। अभी पूछताछ चल रही है, अमेज़न कंपनी से जानकारी ली जा रही है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि अभी 10 कंसाइनमेंट जो है ऑन द वे है और वो डिले हो गया है, तो आगे की जानकारी और ली जा रही है।